दोस्तों कुछ सिली कॉमेडी को साइड में रख के और जो दूसरी कुछ मैजिकल चीजें दिखाई गई हैं उसको भी साइड रख के जो तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा दिखाया गया है और बीच बीच में जो आपको उसकी झलक देखने को मिलेगी, ऐसी चीजें दोस्तों आज के टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेस कर रहे हैं। और अगर इस मुद्दे को लेके एक अलग से पूरी फिल्म को बनाया जाए ना तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये मुद्दा मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है और इसके साथ में जो कॉमेडी और मैजिकल चीजों का तड़का लगाया गया है वो आपको दिखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। वेल फुकरे 3 ये एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है जो कि लगभग 2.5 घंटे की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्मी रेट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक भोली नाम की लड़की जो कि अपने यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है, लेकिन उसके अपोजिट में एक ऐसा बंदा होता है जो कि ना चाहते हुए भी इलेक्शन के अंदर कूद जाता है और उसका नाम होता है चूचा, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। अब देखना यह है कि चूचा अपने यहाँ से इलेक्शन लड़ पाता है या नहीं लड़ पाता और क्या कुछ आगे इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, अगर आपने फुकरे का पहला पार्ट देखा है तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और जो इसका सेकंड पार्ट था वो भी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो मुझे इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। बस बीच बीच में जो एक मुद्दा दिखाया गया, जो सोशल मैसेज दिया गया है वो आपको पसंद आएगा और उसके अलावा कुछ भी खास इतना नहीं है। हाँ कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको लिटरली बहुत ज्यादा हंसी आएगी और कुछ कुछ सीन ऐसे भी है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती हंसाया जा रहा है, यानी कि आपको हंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो शुरू से लेकर एंड तक आपको कनेक्ट करके रखेगा और जितने भी कैरेक्टर आपको मूवी के अंदर नजर आने वाले उनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो फुकरे वाला गाना है वो तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। शुरू में एक सॉन्ग आएगा और उस सॉन्ग के जरिए पूरे फुकरेपंती का रिकैप दिखाया जाएगा जो भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में घटा था। अगर आपने फुकरे के पहले पार्ट देख रखे हैं तब तो आपको इजीली ये मूवी समझ में आ जाएगी, अगर आपने फुकरे के पहले पार्ट नहीं देखे तो आपको फिल्म के अंदर करेक्टर समझ में नहीं आएंगे। तो बिना कोई लॉजिक लगाए और दिमाग लगाए इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो। बाकी इस मूवी के अंदर कुछ भी ज्यादा सोचना मत, सारी इलॉजिकल चीजें हैं और जो भी चीजें हैं वो आपको एंटरटेन तो जरूर करेगी। तो दोस्तों मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 7 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।